हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक बेस्ड है वो है कूलिंग टावर के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा केमिकल डोजिंग कैलकुलेशंस के बारे में। कूलिंग टावर में केमिकल डोजिंग की जो कैलकुलेशन रहती है वो किस बेसिस पर रहती है, रेगुलर डोजिंग क्या होती है, और जो हमारा बेसिस रहता है होल्ड अप वॉल्यूम का, उस बेसिस पर डोजिंग हम कैसे करते हैं, कितनी क्वांटिटी हमको डालनी है, कितनी ड्यूरेशन में डालनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि क्वालिटी डिफाइन होती है उस बेसिस पर हमारे कूलिंग टावर की। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि मेरा टॉपिक है केमिकल डोजिंग कैलकुलेशन की, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है रेगुलर डोजिंग का। रेगुलर डोजिंग जो जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर वन में लिखा भी हुआ है, रेगुलर केमिकल कंजम्पशन डोज बेस्ड ऑन ब्लोडाउन। जो रेगुलर डोजिंग रहती है वो उसका जो बेसिस रहता है कैलकुलेशन का, वो ब्लोडाउन के बेसिस पर डिफाइन होता है। अब रेगुलर डोजिंग में आती कौन कौन सी चीज़ें जो कि हम चीज़ें अपनी प्रोटेक्ट करते हैं कूलिंग टावर में, जैसा कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। रेगुलर डोजिंग में आ जाता है हमारा क्रोजन इनहिबिटर, जो जिंक फॉस्फेट के रूप में रहता है। आगे केमिकल के बारे में अपने अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, अभी ये जान के चलिए। क्रोजन इनहिबिटर आ जाता है, स्केल इनहिबिटर आ जाता है, पॉली डिस्पर्सेंट आ जाता है, और बायो डिस्पर्सेंट आ जाता है। ये हम प्रोटेक्ट करते हैं अपना रेगुलर डोजिंग के माध्यम से। तो ये तो क्लियर हो गया रेगुलर डोजिंग का। दूसरा जो मैंने कहा कि फार्मूला क्या रहता है, फार्मूला है हमारा ब्लोडाउन रेट इन मीटर क्यूब बराबर मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई ppm इन जो भी हमारा केमिकल हम डोज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा क्रोजन इनहिबिटर हो, स्केल इनहिबिटर हो, वो वाला केमिकल की क्वांटिटी ppm में डिवाइड बाई 1000। अब दोस्तों जो ppm जो हमारा केमिकल है, ये हमारी जो वैल्यू आती है, जैसे कि हमारा कूलिंग टावर डिजाइन होता है, कुछ बेसिस रहती है, अप्रोच बेसिस पर रहता है, फिर उसका एक सर्टेन हाइट रहती है, उसके बाद हम जो है हमारी कूलिंग टावर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कितना क्वांटिटी डालना है, ये हमारा कमीशनिंग के ड्यूरेशन में चीज़ें भी निकल के आती हैं। तो उस बेसिस पर दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारा उस कंपनी का पर्टिकुलरली लाइनअप रहता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि इतना हमारा केमिकल का परसेंटेज, चाहे वो हमारा क्रोजन इनहिबिटर हो, स्केल इनहिबिटर हो, या बायो डिस्पर्सेंट हो, या पॉली डिस्पर्सेंट हो, भाई आपको इतना केमिकल तो इतने ppm डोज करना ही है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। उस बेसिस पर पार्टियां आती, कई लोग परसेंटेज में भी निकालते हैं, भाई 10% होना चाहिए इस पर्टिकुलर केमिकल का, या कई लोग ppm में भी रहते हैं, जैसे हमारा कैलकुलेशन का मीडियम है ppm, तो हमने ppm लिया हुआ है। तो ब्लोडाउन रेट हमने एक एज्यूम किया कि भाई हमारा है 40 मीटर क्यूब पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 24, और ये जो केमिकल है वो हमने लिया, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डिफाइन रहता है, वो क्वांटिटी हमने ले ली 16 ppm डिवाइड बाई 1000। तो ये निकल के आया भाई 15 kg, एक दिन में हमको 15 kg पर डे हमारा जो है, जो भी क्रोजन इनहिबिटर है सपोज उसके लिए अगर 16 ppm डिफाइन है, तो हमें इतना डालना है रेगुलर डोजिंग के लिए। सेकेंड पॉइंट जो है उसमें बेसिस है वो है होल्ड अप वॉल्यूम का, वो रहता है केमिकल डोजिंग ऑन होल्ड अप वॉल्यूम बेसिस। अब दोस्तों बात आती है होल्ड अप वॉल्यूम होता क्या है। होल्ड अप वॉल्यूम जैसे कि मैंने लिखा हुआ है HUV करके, ये होता है टोटल वाटर क्वांटिटी इन सेल या बेसिन प्लस इन सम प्लस इन पाइपलाइन प्लस इन इक्विपमेंट। तो इन सब का जब हम सब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वह हमारी होल्ड अप वाटर की, होल्ड अप वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमारा निकल के आ जाएगा। उसमें हम लेंथ, विड्थ और हाइट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, जितने सेल होंगे उस नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस बेसिस पर जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे होल्ड अप वॉल्यूम। तो हमने एज्यूम किया किसी कूलिंग टावर का जो होल्ड अप वॉल्यूम है वो 15,000 है, 15,000 है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय वही सिमिलरली ppm इन केमिकल जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, उसमें हमारा जो ppm रहा है वो हो गया क्वांटिटी डिवाइड बाई 1000। तो जैसे कि होल्ड अप वॉल्यूम बेसिस पर जो हमारा रहता है, उसमें हमारा कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड है सपोज, तो उसमें हमारा क्वांटिटी हमारा 40 ppm है डिवाइड बाई 1000 के, तो 600 kg, हमको 600 kg इसकी क्वांटिटी डालनी है नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड की। तो ये क्वांटिटी, ये हमारा हो गया कैलकुलेशन का एक बेसिस, ठीक है। एक हो गया रेगुलर डोजिंग का जो कि ब्लोडाउन बेसिस पर है, एक हो गया नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड का जो कि हमारा होल्ड अप वॉल्यूम बेसिस पर है। जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, भाई नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड रहते हैं वो
अमोनियम कंपाउंड बेस रहते हैं। बाकी डिटेल में इसका मैं फर्दर लेक्चर में लेके आऊंगा। अब बात आती है कि भाई हमने एक सर्टेन टाइम के बाद हमने अपना नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डाला, बायोसाइड डालने के बाद हमको एक इसका सर्कुलेशन चलता रहता है, सर्टेन टाइम के बाद हम जो है इसको पानी को एक ड्यूरेशन रहता है उसको ड्रेन करते हैं कुछ उसका परसेंटेज, सपोज हमने उसका जो है 5% हमने या 10% ड्रेन किया या ब्लो डाउन दिया, तो वो क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो डेड बैक्टीरियल मास जनरेट हुआ है नॉन ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड डोज करने से, तो उसको हमें ड्रेन करके निकालना रहता है, नहीं तो जो नए बैक्टीरिया जनरेट होंगे तो वो उनके लिए एक तरीके से फूड का काम करने लगता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा ब्लो डाउन देना पड़ता है इनकी डोजिंग के बाद। अब बात आता है कि हमें कितने ड्यूरेशन के लिए हमें ये बायोसाइड की डोजिंग करनी है। अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड की डोजिंग के लिए एक फैक्टर रहता है HTI, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग टाइम इंडेक्स। ये क्या होता है भैया, ये होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट इन कूलिंग टावर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। मतलब किसी कंस्टिट्यूएंट की कूलिंग टावर जो पानी है उसमें जो हमने केमिकल डाला है उसकी जो कंसंट्रेशन है कितने टाइम के बाद वो आधी रह जाएगी, ये बताता है हमारा होल्डिंग टाइम इंडेक्स। ये बेसिकली रहता है हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड के लिए, ठीक है। अब हमने ये जैसे कि फार्मूला लिखा है HTI मतलब होल्डिंग टाइम इंडेक्स इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाई होल्ड अप वॉल्यूम डिवाइड बाई ब्लो डाउन। अब जैसा कि मैंने पहले लिया, ये 0.693 कहाँ से का, ये हाफ लाइफ से आता है, हम लोग जानते ही हैं हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के होता है डिके कॉन्स्टेंट, तो उससे ही हमारा 0.693 का फैक्टर आया है। तो 0.693 मल्टी होल्ड अप वॉल्यूम जैसा कि मैंने 15,000 लिया था डिवाइड बाई ब्लो डाउन, ब्लो डाउन जैसे कि मैंने 14 m³ लिया था तो 40 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 260 आवर्स यानी कि 11 डेज। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमने केमिकल की कुछ क्वांटिटी डाली उसकी कंसंट्रेशन हमारी 11 दिन बाद आधी हो जानी चाहिए, अगर हमारा हीट लोड प्लांट लोड कांस्टेंट चल रहा है, ब्लो डाउन भी इतना ही रेट से चल रहा है एवरेज बेसिस पे, तो 11 दिन बाद उसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी, तो हमको 11 दिन बाद उस केमिकल को फर्दर और डालना पड़ेगा ताकि उसकी फुल क्वांटिटी या फुल कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। तो इसका मीनिंग ये हो गया, तो हमें आइडिया लग जाता है कितने ड्यूरेशन बाद हमको अपना नॉन ऑक्सीडाइजिंग बायोसाइड ऐड करना है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेसिस पे डोजिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, होल्ड अप वॉल्यूम बेसिस पे कैसे करते हैं, कितने दिनों बाद हमको डालनी चाहिए, HTI फैक्टर क्या रहता है, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, तो आगे भी मैं बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।